हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में करेंगे बात। 18.7 करेंट प्राइस चल रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो में आपको बताया था कि मार्च क्वार्टर का न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, तो मैंने आपको बोला था कि उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो से समझाऊंगी डिटेल में। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, वही देखेंगे, वही जानेंगे कि मार्च क्वार्टर का न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रोज भी बताए हैं, कुछ कॉन्स भी बताए हैं। आप जानते ही हैं सारे कि कंपनी काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है। एंड अब स्क्रॉल डाउन करके सीधा चलते हैं, सारा जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न, और हम लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देखिए मार्च 2023 में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो रही है 57.66%। तो लास्ट क्वार्टर में भी यही थी, सितंबर क्वार्टर में भी यही थी, जून क्वार्टर में भी यही थी। तो फ्रेंड्स, मार्च क्वार्टर में कम थी, मार्च 2022 में 53%, उसके बाद से बढ़कर 57.66% ही है। तो प्रमोटर्स का काफ़ी अच्छा ट्रस्ट बना है शेयर पे और होल्डिंग को सेम रखा है इन्होंने। दिसंबर 2020 में 46% के अराउंड थी इनकी प्रमोटर होल्डिंग, उसके बाद से लगातार बढ़ी ही है। अब फ्रेंड्स, इस शेयर में FIIs भी हैं, तो FIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। पहले दिसंबर क्वार्टर में थी 0.01% और अब कर दी है 0.03%। और जब FII अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो FII का काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है, उनके पास काफ़ी अच्छे टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे उनको पता होता है कि शेयर प्राइस यहाँ से इंक्रीज होने वाला है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज कर लेते हैं। अब बात करें DIIs की, तो DIIs ने अपनी होल्डिंग कम करी है। पहले थी दिसंबर क्वार्टर में 0.08% और अब हो गई 0.05%। उसी अकॉर्डिंग पब्लिक में भी चेंजेस आए हैं, तो दिसंबर में थी 42.25%, अब होगी 42.26%। अच्छी बात, प्रमोटर ने सेम रखी है और FII ने होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन DIII ने थोड़ा कम किया है।